हर कोई आपको आसपास कह रहा होता है कि बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो, और लाखों बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी में 350 नंबर 1000 में से एक बंदे का आता है। कैसे पता भैया आपको? मैंने खुद बायोलॉजी के अंदर 350 मार्क्स स्कोर किए थे और मेरी परसेंटाइल थी 99.9 परसेंटाइल। इसका मतलब है 1000 में से एक, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो 350 नंबर लाना सबके बस की बात नहीं होती, तो एनसीईआरटी कैसे सही से पढ़ना है, ठीक है, जिससे हम लोग मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सके और हमारा स्कोर मैक्सिमम आ सके, ये आपको मिलने वाला होगा आज की वीडियो में। आप बोलोगे भैया मज़ा आ गया, ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो मैंने खुद अप्लाई किए थे और इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ अपने ड्रॉप ईयर में, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, राइट। और आपको सारा कंटेंट कहाँ मिल रहा होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के ऊपर, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल टेलीग्राम का नाम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो, अपने को बायोलॉजी को मिनिमम टाइम देना है और मैक्सिमम रिजल्ट निकालना है। ये क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि एक साल है यार, एक साल में फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तुम्हारे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी को थोड़ा सा कम टाइम में अच्छा रिजल्ट निकालना पड़ेगा अपने को, ऐसा नहीं कि पूरा दिन बायो बायो कर रहे, ठीक है। मैंने बायोलॉजी में 20% टाइम दिया था लगभग। कैसे निकाल रहा हूँ मैं ये? लगभग मान लो मैं दिन का 1.5 घंटा बायो को दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि मैंने लगभग पूरे साल भर में जितना मेरा टाइम था उसका 20% बायो को दिया था और बाकी का 80% रिमेनिंग फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, और मैक्सिमम टाइम लगभग 50% फिजिक्स में ही था क्योंकि फिजिक्स काफ़ी वीक थी मेरी। और फिर भी 20% टाइम दे के बायोलॉजी में 350 नंबर स्कोर कर लिए, ठीक है, बस एनसीईआरटी की मदद से। कैसे किया, क्या किया, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, राइट। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी यार कि एनसीईआरटी बायोलॉजी रीड तो हर कोई करता है, ठीक है, बट कैसे प्रॉपर रीडिंग एंड प्रॉपर रिवीजन करनी है। पहली गलती जो बच्चे करते हैं ना वो है फर्स्ट रीडिंग में ही गलती कर देना। फर्स्ट रीडिंग मतलब क्या भैया? हम क्या करते हैं ना, पहली रीडिंग कब करते हैं? जब कोई टेस्ट आ रहा हो, जस्ट कल टेस्ट और आज रीड कर रहे हैं और हमें लगता है कि बस आज कितनी दिमाग में फिट कर लो इस चीज़ को, फिर कहीं भूलूंगा नहीं। सबसे बड़ी गलती, जब पहली बार रीड करोगे तब ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी डेटा एकदम शांत से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता था, ध्यान समझना, मान लो मेरा 21 दिन बाद टेस्ट है, ठीक है, तो 21 दिन पहले से ही मैंने प्लान कर लिया कि स्टार्टिंग के इतने दिन फिजिक्स करूंगा, केमिस्ट्री करूंगा, और बीच बीच में लाइक सुबह उठ के रोज के 2 घंटे या 3 घंटे या वीकेंड्स पे बायोलॉजी को एक एक चैप्टर निपटा दिए, ठीक है। ये सबसे अच्छा प्लानिंग है कि लास्ट के लिए बायो मत छोड़ना कि टेस्ट जस्ट पहले बायो कर लूंगा, वो मेमोरी तुम्हारी कभी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी, ठीक है। मैं आपको बायो के मेजर टेस्ट बायो क्वेस्ट में ही इंक्लूड करके देने वाला हूँ, मेजर टेस्ट, ठीक है, जो एवरी मंथ होंगे एक एक यूनिट के ऊपर, ठीक है। तो मेजर टेस्ट के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं भरना, जो बायो क्वेस्ट में आपने 399 रुपीज दिए है उसी में आपको क्वेश्चन बैंक, AR सब कुछ मिल रहा होगा, तो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब मैं जब भी कुछ चैप्टर पढ़ता था ना, मेरे पास तीन चीज़ें होती थी, या तो ये चैप्टर रट्टा वाला चैप्टर रट्टाफिकेशन है, या कंसेप्चुअल है, या मिक्स है। इससे क्या होता है ना, एक आइडिया मिल जाता है कि ये चैप्टर को कैसे पढ़ना है। मैं बताऊंगा हर एक चीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इकोलॉजी है तो ये पूरा रट्टा वाला चैप्टर है मेजोरिटी, ठीक है। या मेरे पास माइक्रोब्स है, या मिनरल न्यूट्रिशन है, या मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, इस पर मैक्सिमम मेरा फोकस था कि इसको मैं कितनी बार रिवाइज कर पा रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट, हर टेस्ट से पहले इसको रिवाइज करना जरूरी था। मेरे पास एक पूरी लिस्ट थी, अगर आपको चाहिए तो मैं बना के आपको दे दूंगा, कौन से चैप्टर एकदम रट्टा वाला है, कौन से एकदम कंसेप्चुअल जेनेटिक्स रिप्रोडक्शन प्लांट फिजियो, कौन से मिक्स है। अब समझो जो क्लास के नोट्स होते हैं ना, क्लास के नोट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे कंसेप्चुअल चैप्टर के लिए, और मैंने इनके लिए थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे, जेनेटिक्स के लिए भी बोल लो, रिप्रोडक्शन चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन वगैरह के लिए, और प्लांट फिजियो के लिए, और ह्यूमन फिजियो भी कहना कहीं, ठीक है। इन चैप्टर्स के लिए या इन चैप्टर्स के लिए मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में मैं मार्क करता था और एनसीईआरटी को ही बहुत ध्यान से बार बार पढ़ता था, ठीक है, लेकिन इन चैप्टर के लिए नोट्स की जरूरत पड़ती थी, करेक्ट। अब कैसे रीड करें फॉर फर्स्ट टाइम जिससे हमें हर एक चीज़ याद रहे? देखो पहली चीज़ तो यार ना, चैप्टर जब रीड करने बैठोगे, मान लो फॉर एग्जांपल ले लिया ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑफ गैसेस, ठीक है, तो यहाँ पे सब टॉपिक्स है, पहले ये देख लो क्या क्या पढ़ने वाले, ठीक है, क्या क्या चैप्टर में है। इसके बाद पहली बार जब पढ़ोगे ना, एकदम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ना। मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आते आते पता लग गया था कि भाई इस पैराग्राफ के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस क्या है,
ठीक है। तो ये तुम्हारा एक कंसेप्चुअल पार्ट टाइप हो गया, इसको हमने अंडरलाइन करके रख दिया ताकि नेक्स्ट टाइम मैं ये फालतू के स्टार्टिंग के तीन चार लाइन ना पढूं, बस ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन इस पे मेरा फोकस रहे। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब भैया बच्चे करते क्या है ना, हर एक बार उसको लाइन टू लाइन पढ़ते जाते हैं। अब मैं क्या करता था, फॉर एग्जांपल देखो ये चैप्टर कैसा है, कंसेप्चुअल प्लस लर्निंग का मिक्स है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन दे रखे, उन सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को यहाँ पे लिख दिया विद देयर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि गिल्स, गिल्स किस में पाए जाते हैं यहाँ पे लिख दिया, लंग्स किस में पाए जाते हैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, क्यूटेनियस स्पिन किस में होता है यहाँ पे लिख दिया, एम्फीबियंस में होता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे छोटा सा अपना एक टेबल बना दिया, इसको देखते हुए ना, इस पैराग्राफ को देखते हुए पांच छह पॉइंटर का एक मैंने यहाँ पे टेबल सा बना दिया। इससे क्या होता है कि जब मैं रिविजन करूँगा तब मुझे पूरा ये पढ़ने की हर बार जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इतना करके हर टेस्ट से पहले मेन मेन पॉइंट्स रिवाइज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया पूरा रट्टा वाला पार्ट, ठीक है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब यहाँ पे जो ये पार्ट है ना, इस पार्ट में कुछ चीज़ें हैं कि भाई साउंड बॉक्स होता है, लैरिंग्स, लेकिन एक पाथवे मेंशन है। जब तुम पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि यार ये पाथवे है, ठीक है, कि हवा कैसे अंदर आ रही है, ऑक्सीजन कैसे पहुंच रहा है लंग्स तक। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया कि भाई पहले तुम्हारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे फेरिंग्स में जाएगा इस तरीके से, फिर तुम्हारे लैरिंग्स में जाएगा, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकियोल्स, ये सब चीज़ें जो है तुम पूरा एक पाथवे बना लोगे। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें कभी नहीं भूलेगी, जो मेन क्रक्स है इस पैराग्राफ के, तुम कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और फिर इस पर जो मेन मेन पॉइंट्स भी है, इरेगुलर वर्ल्ड, इसे तुम अंडरलाइन भी कर रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ें कब काम आएंगे तुम्हारी, जब तुम बहुत क्विकली किसी चैप्टर को रिवाइज करना चाहो। बच्चों की प्रॉब्लम ही यही होती है, पहली बार तो पढ़ लिया ढंग से और जब रिविजन करने गए तब बहुत टाइम लग गया, ठीक है, वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम समझ लिया, डायग्राम के थ्रू कि भाई एपिग्लॉटिस क्या है, लैरिंग्स क्या है, फेरिंग्स क्या है, ठीक है। तो इससे एक आइडिया भी मिल गया और मैंने एक फ्लो चार्ट बना लिया, क्लियर। अब देखो एक और पार्ट आ गया, रट्टा वाला पार्ट। अब यहाँ पे मुझे पता है कि ये डेटा मैं बार बार भूलूंगा ही भूलूंगा, किसी का ह्यूमन ब्रेन इतना शार्प तो है नहीं कि भाई एक बार पढ़ के याद हो गया। तो हर टेस्ट से पहले मैं इसको रिवाइज करूंगा भाई, ठीक है, कम टाइम लगेगा मुझे क्योंकि बस यहाँ पर मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या क्या रिवाइज करना, क्या क्या आता है, ठीक है। अब ये बच्चे क्या करेंगे, डायग्राम स्किप कर देंगे कि भैया डायग्राम तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ये वाला, हम नहीं कर पाएंगे, और यही तुम फंस जाओगे, ठीक है, यही तुम फंस जाओगे। डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम अब तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा कि भाई डिफिकल्ट डायग्राम है, लेकिन जब तुम करने बैठोगे रियल में, यू विल रियलाइज कि भाई हर एक चीज़ जो है वो तुम्हारे ऊपर के पैराग्राफ में ही इसके एक्सप्लेन्ड होती है। तो अगर तुमने एक बार डायग्राम फिट दिमाग में फिट कर लिया तो तुम ये कंसेप्चुअल चीज़ें कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये बेसिक फर्स्ट टाइम रीडिंग, कि तुम रीडिंग कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट मार्कर से करना करो। मैं तो नहीं करता था, मैं क्या करता था कि भाई एक पेन एक पेंसिल से अंडरलाइन कर रहा हूँ और बाजू बाजू में जो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये पढ़ लिया और इसके बाजू में कुछ कुछ पॉइंटर्स लिख दिया, ठीक है, ये पढ़ लिया इसके बाजू में पूरा पॉइंट बना के लिख दिया कि भाई ये चीज़ होती है ऐसे ऐसे ये होती है। तो इससे क्या हुआ, मुझे फर्स्ट टाइम में काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज मिल गया और ये चीज़ें मुझे मैक्सिमम टाइम रिपीट टाइम तक ये मुझे रिटेन रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिविजन। बच्चे करते क्या है, आपसे हक गलती होती होगी अगर आपने कभी लास्ट एग्जाम दिया हो तो, एक बार पढ़ लिया उसके बाद जब तुम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम पढ़ने आते हो ऐसा लगता है कि भाई पूरा चैप्टर नया ही है, कुछ याद ही नहीं है। इसको ख़त्म करने के लिए ना मैंने दो चीज़ें अपनाई थी, ठीक है, बायो कभी मैं भूलूँ ना, पूरे साल भर मुझे याद रहे, इसलिए दो चीज़ें अपनाई थी। मान लो मैंने आज एक चैप्टर ख़त्म किया तो उस चैप्टर के एनसीईआरटी के सामने जो इंडेक्स है उसकी फर्स्ट रिवीजन डेट, उसके सेकंड रिवीजन डेट, उसके थर्ड रिवीजन डेट प्री प्लान डाल दी, ठीक है। मान लो आज किया तो सात दिन बाद, 14 दिन बाद और 28 दिन बाद उसकी पहली रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन होगी और ये मैंने पहले ही प्लान कर दिया, ठीक है। तो मान लो मैंने एक तरह का चैप्टर पढ़ा था तो डेट डाल दी 7, 14 और 28, ठीक है। तो मैं जब भी एनसीईआरटी बायो खोलूंगा तब याद आएगा कि भाई 7 तारीख आ रही है, 7 को मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। और जब तुम 6 दिन बाद रिवाइज करोगे ना तो थोड़ा और टाइम, मतलब थोड़ा कम टाइम लगेगा बट उतना भी कम नहीं। जब थर्ड टाइम रिवाइज करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। इससे तुम्हारा फायदा है, क्या फायदा है भैया, कि भाई जब ऐसे तुम रिविजन करते जाओगे, ठीक है, 28 डेज बाद जब भी कोई टेस्ट हो उस टेस्ट की डेट डाल दो कि भाई इस दिन मेरा टेस्ट है तो इसके 7 दिन पहले मैं रिवाइज करूंगा या 3 दिन पहले रिवाइज करूंगा। जितनी बार तुम रिवाइज करोगे लास्ट तक आते आते ऐसा हो गया था कि पूरी 11th and 12th की बायो मैं 1 दिन में रिवाइज कर पाता, 1 दिन में, मतलब आधे आधे घंटे में चैप्टर निपटा रहा था मैं, आधा घंटा भी नहीं,
ठीक है, कुछ चैप्टर तो 15-15 मिनट, एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम 20-20 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, ह्यूमन फिजियो पूरी 2 घंटे में निपटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी को मुझे पता है कि एनसीईआरटी में कहाँ पे क्या है, मैंने सिंप्लीफाई भी कर दिया है, दिमाग में मुझे पूरा फ्लो चार्ट भी चिपके हुए है, कंसेप्ट भी चिपके हुए है, एग्जांपल्स मैंने अलग से नोट डाउन भी कर रखे हैं और मैंने एनसीईआरटी से मार्क कर रखे है, हाईलाइट कर रखी है, राइट। और मैं पूरे साल भर एक चीज़ करता था कि एमसीक्यूज, ठीक है, रैंडम एमसीक्यूज, मान लो मेरे को एक चैप्टर पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, तो उस चैप्टर के जो एमसीक्यूज है मैं अभी करता था, मान लो 15 दिन पहले चैप्टर किया था, एक कोई बुक ले ली या कुछ ले लिया, उससे रैंडम क्वेश्चंस कर लिए एनसीईआरटी बेस्ड। क्यों? इससे क्या होता है ना, खुद पे कॉन्फिडेंस बना रहता है और कभी वो चैप्टर भूलते नहीं हो। जितनी बार वो चैप्टर एमसीक्यूज के फॉर्म में तुम्हारी आंखों के सामने से गुजरेगा तुम्हें फायदा होगा, ठीक है। और दो चीज़ें याद रखना यार, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बढ़ रहे हैं, ठीक है, तुम्हें एनसीईआरटी की हर एक लाइन पता होनी चाहिए, ठीक है। इस साल 30 क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड थे बायोलॉजी के अंदर, मतलब 120 नंबर, ठीक है। तो जो बच्चा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल की असर्शन रीजन की प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा उसको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने आपको, ठीक है, दो चीज़ें दे दी है। मैं आपको बायो क्वेस्ट के अंदर अगले महीने तक, ठीक है, सेपरेट सेक्शन में असर्शन रीजन और सेपरेट सेक्शन में ही तुम्हें ऐड करवा दूंगा स्टेटमेंट वाइज सवाल, हर चैप्टर के 25-30 सवाल, मतलब लगभग पूरे साल भर में 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज करा देंगे, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट होंगे अपने बीच बीच में, मेजर टेस्ट होंगे बायोलॉजी के, वो तो होते ही रहेंगे, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होगा, अपने जो स्टेटमेंट वाले सवाल है और जो असर्शन रीजन है उसमें अपनी स्पीड जो है ये बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं लिंक दे दी यार, अभी हमारा ऑफर चल रहा है जो स्टार्टिंग का ऑफर होता है, ठीक है, अथर्वा 100 कोड लगाओगे तो अभी प्री लॉन्च है, लॉन्च हमारा बहुत जल्द जून में हो रहा होगा, स्टार्टिंग में अथर्वा 100 कोड लगाते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने लिंक दे दी है, एक बार चेकआउट कर लो, मैंने फ्री टेस्ट भी अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, एक बार देखो कि चैप्टर्स कैसे एमसीक्यूज मिलने वाले होंगे, कैसे आपको एनालिसिस करने मिलने वाला होगा, तो पता लग जाएगा कि हाँ भैया फायदेमंद चीज़ है, ठीक है। तो ये होता है सही तरीका एनसीईआरटी पढ़ने का। कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करते हुए जाना, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बाय।